डार्लिंग, ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है जहां केंद्रीय मंत्री भी जनपद अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीता सकते। जी हां, ऐसी एक खबर बुंदेलखंड के सागर की केसली से जुड़ी है, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। बड़ी अजीब और गरीब स्थिति बनी, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जिस जनपद सदस्य का प्रचार करने जाते हैं उसे चुनाव जिताते हैं, लेकिन आखिर में वही जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी हार जाता है जिसकी गारंटी केंद्रीय मंत्री ने ली। हम यह बात इस वजह से कह रहे हैं कि अब आरोपों का दौर शुरू हुआ है। लगा है कि प्रहलाद पटेल कहीं ना कहीं लोधी समाप्त यानी समाजवाद की राजनीति रखवाली कर, यह आरोप केसली की धरती से सूत्रों के मार्ग पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस खास सागर एक्सप्रेस क्या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक छोटे से कार्यकर्ता को धोखा दे दिया? क्या केंद्रीय मंत्री के मन में लोधी प्रेम जाग गया? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा हल्ला है मध्य प्रदेश के सागर जिले के केसली में, जहां केंद्रीय मंत्री पर लोग और कई कार्यकर्ता जातिगत राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। असल में जिस जनपद सदस्य ऊषा उमेश श्रीवास्तव को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आश्वासन दिया था कि वो उन्हें जनपद अध्यक्ष बनाएंगे, यह उन्होंने वादा भी किया था, उनके वादे के भरोसे ऊषा उमेश श्रीवास्तव बैठे रहे और जीत गई कांग्रेस। मंत्री जी ने कहा था कि हम तुम्हारी अध्यक्षी के लिए वहां आएंगे और अध्यक्ष बना के जाएंगे। ऊषा उमेश श्रीवास्तव मंत्री जी का इंतजार करते रहे और अध्यक्ष का चुनाव हार गए। यहाँ देवीबाई शर्मन लोधी, जो हर्ष यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं और सिलारपुर के इंद्राज के करीबी हैं, वो चुनाव जीत गए। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को 11 वोट मिले और टड़ा की ऊषा उमेश श्रीवास्तव को 7 वोट मिली। कुल लिहाज से यहां लोधी कार्ड चल गया। देवरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां पार्टी के प्रति न कांग्रेसियों की श्रद्धा रही, न भाजपा के प्रति श्रद्धा रही। इसलिए मैं कैसे क्षेत्र की जनता को समर्थित करता हूँ जीत, और निश्चित रूप से हमारे मुन्ना सिंह जी से लेकर संजय से लेकर गुड्डू आबादो से लेकर पूरे कई पार्टी के जावाज साथियों ने न दिन देखा न रात देखी, 24 घंटे जिस समर्पित भाव से लड़ाई लड़ने के लिए संजनाद किया था, उसकी परिणति आज हमें विजयश्री के रूप में प्राप्त हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत दबाए बधाई देना चाहता हूँ। एक सच्चा भाजपाई प्यारा कार्यकर्ता उमेश श्रीवास्तव राजनीति का शिकार हो गया, वो गंदी राजनीति के शिकार हो गए। भाजपा की सरकार है, केंद्रीय मंत्री जब एक जनपद अध्यक्ष नहीं बनवा सकते तो फिर यह मानकर चलना कि सब बातें हैं, बातों का क्या। प्रहलाद पटेल को लेके और उमेश श्रीवास्तव की इस हार पर हम पटेल साहब के लिए एक शेर जरूर कहेंगे कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। एक प्यारे से कार्यकर्ता से आपने वादा किया था और वादा तोड़ दिया, तो साहब हम तो यही कहेंगे कि आप जातिगत आंकड़े में उलझ गए, आप जाति को जिता दें। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि क्षेत्र में हल्ला है और यही सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं। योगेश विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज केसली। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर।
जरूर जाना।